बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, बिल्कुल ज़ोरों शोर पर इनिंग्स चल रही हैं पीटीआई की तरफ से भी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं एल ए फोर में, तमाम डिफरेंट एलियंस की तरह काफ़ी सरगर्मियाँ जो हैं वो एक्टिवेशन में हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी कंपेन को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो 54 ईयर से मुसलसल बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी अरशद साहब के ख़ानदान के साथ है, और उन्हीं के साथ इनकी वाबस्तगी है, उन्हीं के साथ इनका एक संग दड़ा है। और अगर रफाकतदारी की बात करें तो मैं समझती हूँ कि इतनी पुरानी रफाकतदारी है कि इसकी भी एक एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल इस शख्सियत की ये है, और सेकंड ये है कि 6 भाई हैं माशाल्लाह से, और एक ही घर में 42 रूम्स पर मुश्तमिल इनका एक बहुत बड़ा सा घर है, जिसमें माशाल्लाह से 6 भाई जो हैं एक साथ रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं। तो ये भी यूनिटी की एक एग्जांपल हमें इसी घर से मिलती है। आज हम मौजूद हैं न्यू लीडर में, और आपकी मुलाकात चौधरी मकसूद हुसैन साहब से करवाते हैं, जो मारूफ समाजी सियासी शख्सियतें हैं, और उनके वालिद जो हैं 42 में वो उन्होंने एफए किया हुआ था, और वो ब्रिटिश एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर जॉब करते थे, और इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स में जब पाकिस्तान मर्ज़े वजूद में आया तो उन्होंने अपनी जॉब का आगाज़ किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनकी मंसलिक, इनकी मसबत कैसे बनी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की वजह से या इमरान खान साहब की वजह से, तो आइए इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सही। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके वालिद जब रिटायर हुए तो सियासत में आए, आपने अपनी सियासत का जब आगाज़ किया तो आपका मंशूर क्या था, और आपको कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आप सियासत जाएंगे? बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हमेशा हम देखते रहे हैं टीवी में, बाहर मुल्कों में, इनकी तो अपनी पोजीशन थी, और ये बहुत अच्छे लीडर हैं, क्योंकि हमारे हमसाए भी थे। अच्छा, तो जिस जमात से इनका तल्लक रहा हम इनके साथ रहे, और सिख इस्लाम से लेकर आज तक हमारे इनके साथ वाबस्तगी है, और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अब इन्होंने अगर पीटीआई ज्वाइन किया तो हम फिर इनके साथ ही है, इसलिए आज से कहते हैं हम लोग जनाब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की भी अपने बिल्कुल सही। ये 54 ईयर का है, बहुत पुराना आपका माशाल्लाह से बुरानी है। आजकल लोग जो है बड़े फिट अप हो जाते हैं जल्दी, हमारे टेम्परमेंट इस किस्म के हैं कि हम में बर्दाश्त नहीं रहती, और एक यूनिटी की एग्जांपल ये है कि आप माशाल्लाह से पूरी फैमिली जो है एक साथ है, मुतहिद है, यूनिटी के साथ हैं, और इसी तरह से आप अगर सियासत की बात करें तो आप इसी घराने के साथ हैं, इसकी क्या वजह? मुझे ये है कि चौधरी खादिम हुसैन साहब अरशद साहब के वालिद साहब थे, जी जी, वो भी बड़े ऑनेस्ट थे, और बड़ी ही अच्छी कहना उनकी कहना आदत थी, उनकी वजह वो अल्लाह को प्यार हो गया, उनके कहना बेटे थे, अब उनके साथ भी हमारी वाबस्तगी है। फिर कदम जनाब अली चौधरी नूर हुसैन साहब थे, जो चौधरी खादिम हुसैन साहब के कदम भाई थे, जी जी, बादशाह साहब के वालिद साहब अली साहब थे, तो उन्होंने कहते अपने बेटे को कहते जनाब अली कहते सियासत में लाए, तो वो आलमी सदर के सियासतदान है, लिहाजा हम उनके साथ हैं, साथ हैं, और हम साहब ही हम और ऑनेस्ट आदमी हैं बाहर उनके। वैसे जिस तरह से आम रूटीन बनी और जमहूरी हक है सबका कि पार्टी बदल लेना, इधर से उधर जाना, आपको कभी ख्याल आया कि फलां बंदा जो है वो बड़ा एक्टिव है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा, और हमें बम सेटेड रहे? जिधर बैरिस्टर साहब हमें पूछते हैं लोग कि उन्होंने बड़ी जमातें तब्दील की हैं, तो हम तो ये कहते रहे हैं कि जहाँ पर बैरिस्टर हैं वहाँ पर हम वो जमातें तब्दील करें, ये उनका है, वो उनका अपना कदम अपना है, ठीक है। आप नाम बैरिस्टर साहब के साथ, आप बैरिस्टर साहब के साथ, और उनके कहना जनाब अली अरशद साहब जो हल्का 4 से करें इलेक्शन लड़े, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जो हैं मंगला डैम के मुहाजरीन में आपका शुमार होता है, और आपके वालिद जो हैं वो रावलपिंडी में उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, जब आप इस इलाका में आए तो आपको एज ए मुहाजिर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? शुमार मुश्किल थी, रास्तों की मुश्किल थी, सीवरी लाइन की मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने जो यहाँ के मुकामी लोग थे उन्होंने हमें कभी तस्लीम नहीं किया, और बड़ी स्ट्रगल की हमने, और इनके खिलाफ मैंने इलेक्शन भी करने लगा आज से 25 साल पहले बल दिए थे, क्योंकि इनकी तरह तादाद ज़्यादा थी, हमारी तादाद थोड़ी थी, नहीं बने, लेकिन फिर भी मैंने कहा मुखालिफ रहा, मैंने कहा आप अच्छे काम नहीं करते, और जो मेरे मुकाबले में था वो बिल्कुल अनपढ़ था, तो मैंने 67 में मैंने मैट्रिक किया हुआ था, तो मैंने कहा यार जब कोई पढ़े लिखे आदमी ले आए या मुझे कहते बनाए कहते, तो मैंने कहते एयरफोर्स में अप्लाई किया कहते एज ए कमीशन फ्लाइंग ऑफिसर, मेरी उंगली कटी हुई थी कहते, तो लिहाजा मुझे डॉक्टर साहब ने कहते
अनफिट कर दी, मेडिकल में अनफिट हो गया, वरना मैं कहता जनाब लीगल ना फ्लैग ऑफिसर होता। सही बात है, बिल्कुल सही। चले हैं, जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है। ऐसे ओवरसीज आपका पूरा ख़ानदान जो है वो यूके इंग्लैंड सेटल्ड है, आपके दो बेटे हैं वो भी वहाँ सेटल्ड हैं। आप अपनी बचपन की लाइफ देखें तो अब आपको अपने ही ज़िंदगी में ये सारे नशेब अफराज देखने के बाद जो खुशियाँ मिली हैं इसको आप कैसे बयान करें? बात यह है कि पहले जो वालिद का दौर था वो सबसे बेहतर दौर था। एक से सब को कमाने वाले थे, अब सब हम कमा रहे हैं ठीक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब फौजी थे, उन्होंने हमें कह रहे चैन कहा कि जॉइंट रहना, आपने मकान ऐसा तमीर कर रहा जिसका एक कहने जनाब दरवाज़ा हो तो जिसमें सिक्स कहने कौएँ मेरी अगठी है, उसको हमने बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर रहा है, मस्त इतफाक है। मैं भी कदम आठ नौ चक्कर लगा के आया हूँ इंग्लैंड से, देखते हैं गाड़ियाँ वगैरह भी लेके आया हूँ 2004 में, वो तो नया देखते बोला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है कहीं सिस्टम। मैं एज ए शॉपकीपर 54 साल से अभी भी स्टिल दुकानदार हूँ, ठीक है बेहतरीन निज़ाम चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, भाई भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं। आपको क्या लगता है मुकाबला जो है वो कांटेदार होगा या चौधरी अर्शद साहब इजीली विन करेंगे? पहले तो नज़र आ रहा था कि बहुत कांटेदार मुकाबला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो किधर जो लोग कहने जनाब अली पीटीआई में ज्वाइन हो रहे हैं, आज भी चंद जब हम मीटिंग करके आए तो वहाँ पर भी बहुत लोगों ने कहते ज्वाइन किया, कल जो मेरे घर मीटिंग थी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भी ज्वाइन किया, राजा गोगा साहब उन्होंने भी कहते ज्वाइन किया, काफ़ी जोरदार फिर लोग आ रहे हैं। अब इंशाअल्लाह कदम ये सीट अच्छे बिल्कुल सही। ये बताइए कि जब आपने घर तमीर किया तो आपने अपने वालिद ग्रामी के उस बात को फोकस रखा, क्या कभी भाइयों में आपस में सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कभी ऐसा वक्त आया कि आपको खवातीन की वजह से या किसी भी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? कतई तौर पर नहीं, उसकी वजह ये है कि हर भाई के नाम अपने अपने पैसे, वालिद साहब अल्लाह को प्यारे थे 2000 में, तो सारी जायदाद जो है सब भाइयों के नाम, और आप दें मेरे नाम भी सब के बराबर ठीक हो, मतलब तो परेशानी तब हो कि किसी का हिस्सा लें बिल्कुल ठीक। और लेडीज़ भी कहते हैं जनाब मिली वो जाने और उनका काम जाने और मर जाने में उनका काम जाने, हमारे सिस्टम में ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह। खतरा मौजूद है लेकिन चले अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके इलाके में अगर सियासी बेस पर देखा जाए तो एक दफ़ा चौधरी अर्शद साहब वज़ीर बरक़ियात रहे हैं, जिस ड्यूरेशन में वो वज़ीर बरक़ियात रहे हैं तो आपके हलका में इलाका में कौन कौन से उन्होंने मखसूस काम करवाए? देखिए जो खंभे वगैरह बिजली के उन्होंने काफ़ी दिया है, ट्रांसफार्मर थे उन्होंने दिया, कोई भी काम हो करें एनी वन उनके घर जाए बड़े अच्छे से तरीके से मिलते हैं, और वो हमारी बहुत जितने अर्शद साहब हैं और अर्शद साहब वगैरह काबुल हैं और बड़े कहना बड़े मौज़ तरीके से बहुत चीज़ करते हैं, गुस्से में कभी नहीं आते, बड़े प्यार से और शफ़क़त से मिलते हैं लोगों का, तो काम के भी बड़े कदम शदाई हैं ठीक। इंशाल्लाह अक्षय साहब अच्छे हैं ज़्यादा उनसे सब ज़्यादा। ये बताइए कि आपके अपने इलाके को लेकर, आपके गांव को लेकर, न्यूडलर को लेकर आपके क्या कोई मतालबात हैं चौधरी अर्शद साहब के साथ कि यहाँ ये काम होना चाहिए? देखिए जी हमारे कहते भांजे भतीजे भांजी हैं वो पड़ी हुई हैं, तो अल्लाह करे कहते हैं जनाब जी हमारी जमात भिन्न हो तो इंशाल्लाह अर्शद साहब काम करेंगे, उनको मुलाजमतों का हौसला है, उनको कहते हैं जनाब अली घरेलू कहते जनाब अली काम है, कहते हैं सीवरेज लाइन हुई कोई गली हुई वो छोटा काम करेंगे, अगर पता पूरा करेंगे तवन करेंगे बिल्कुल सही। आप अपने ही हलका के लोगों को जिस तरह से आपके साथ ख्वाजा इसहाक साहब हैं या आपकी टीम के और कुछ लोग हैं, आप और आपकी टीम मिलकर किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करना क्या मुश्किल है, या लोग पीटीआई को देखकर ज़्यादा शामिल हो रहे हैं या चौधरी अर्शद साहब को? देखो जी मेरा ज़्यादा तल्लुक है कहना ना उमरान साहब की कहना ना पॉलिसी का, वो भी बड़ी अच्छी है बिल्कुल, उनके बीएम को लोग फॉलो कर रहे हैं ठीक है एक चीज़। दूसरा नंबर अगर जनाब मिले हम आपस में मिल के करें कर रहे हैं कि जो कहना ना देखें हम जो मुकदमात हैं नवाज शरीफ के या जरदारी साहब के, तो वाकई पता चल रहा है कि इतने इतने वो पैसे लेके चले गए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, ये आज इसी कहना महंगाई है और ये वही बदमाश टोला है कहते जो कहते ताजर बड़े बड़े उन्होंने कहते चीज़ों को छुपाया हुआ है कि पब्लिक को तंग करें
और महंगाई हो और लोग कहते जनाब अली इमरान खान साहब को ना माने, लेकिन जो उनका कहते जनाब विजन है, जो वो कहते जनाब आदमी से उनसे बात कर रहे हैं, अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है और थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह आने वाला वक्त वो हमारे लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर लास्ट में आप अपने हलका के नौजवानों को, स्पेशली नौजवानों को, खवातीन को, क्योंकि उनका भी वोट बैंक है, उनका भी हक है, आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे उनको? उनको ये कहूँगा कि आप जो कर ना, पहला तो काम है कि वोट दें, जमात बने जी जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह फिर तंजीमियाँ बनाएंगे, लेडीज़ की भी, बच्चों की भी, बच्चियों की भी, तो वो बना के अपने अपने मिसाइल पेश करेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही, हर बंदा अपने अपने तर्ज अमल के साथ जो है अपना राइट जो है वो बयान कर सकता है। और उनकी एजुकेशन के बारे में कहने कितनी कितनी पढ़ी हुई हैं खवातीन, उनके कहने जनाब ले गए नाम वगैरह लिखेंगे, देखें किस किस जगह हमने एडजस्ट करना। सही। अच्छा, आप जितना सिंह ये थे चौधरी मकसूद हुसैन साहब की गुफ्तगू, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपने ख़ानदान की रविश के बारे में बताया कि एक तो यूनिटी है, तो जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो अगर किसी भी फैमिलीज़ में ये बातें हों तो बड़ी बात है, अल्लाह पाक इनको नज़रबंद से बचाए। और साथ ही साथ एल ए फोर के हवाले से चौधरी अर्शद साहब के बारे में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के बारे में राय का इजहार किया, खवातीन को वोट के लिए जो है ऑफर किया, स्पेशली कि आप बाहर निकलें 25 को वोट कास्ट करें ताकि हुकूमत जो ही आए तो उनसे अपने अपने हक़ के लिए मुतालबात किए जा सकें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।